Themes और plugins को तो हमने देख लिया, but another very important aspect of the whole WordPress ecosystem is the WordPress hosting. WordPress hosting is super important, super critical in deciding कि आपकी WordPress website कैसी perform करेगी. इससे मुझे एक बड़ा मज़े का वाकया याद आता है कि जब मैंने अपनी WordPress website start की सबसे पहले आज से कोई 10 साल पहले, तो सबसे पहली चीज़ जिसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा वॉज टू गेट वर्डप्रेस होस्टिंग. और उसके लिए चूंकि एक क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि वो एक क्रेडिट कार्ड लें, और उस क्रेडिट कार्ड से मैंने अपनी पहली होस्टिंग परचेज की. बट क्या होती है वर्डप्रेस होस्टिंग? वॉट इज़ वर्डप्रेस होस्टिंग, या सिंपल मानों में वॉट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग का लफ्ज़ निकला है होस्ट से. होस्ट कौन होता है? मेज़बान. अ होस्ट इज अ प्लेस और अ वेन्यू और अ पर्सन जो कि आपकी साइट को अपने पास रखता है एंड मेक श्योर कि पूरी दुनिया को वो वेबसाइट नजर आए. वैसे तो दुनिया में द प्रॉपर वे टू गेट अ होस्टिंग इज पेड होस्टिंग, कि आप किसी को पैसे दें कि यार ये मेरी साइट है, इसको प्लीज़ होस्ट करो रखो. बट देर आर सम फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स अवेलेबल एज वेल, लेकिन हम उनका ट्रेड ऑफ कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अच्छी हैं या नहीं अच्छी. बट साथ ही साथ कुछ और लफ्ज़ हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी, और शायद आपको अभी तक पता लग भी चुका होगा. वर्ड्स लाइक डोमेन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी परचेज योर डोमेन नेम? भाई डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट. जब भी कोई जाके अपने ब्राउजर को खोल के उस पर एक नाम लिखता है एक वेबसाइट का, दैट्स द डोमेन नेम. अगर मैंने गूगल पे जाना है तो आई विल राइट google.com. अगर मैंने DigiSkills पे जाना है तो द नेम वुड बी DigiSkills.pk. सो द डोमेन नेम इज द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट. फिर होती हैं फाइल्स. दोज फाइल्स आर होस्टेड on the hosting platform, and that's why it's super critical to find the right hosting for your website. Ho sakta hai idhar aapke zehen mein question hai ki yaar aakhir mujhe hosting kyun chahiye? Kya main hosting ke baghair apni WordPress ki website ko nahi rakh sakta? So the answer, sweet and simple, is a no. Aap hosting ke baghair apni site ko run nahi kar sakte. इसीलिए इट इज़ सुपर क्रिटिकल टू हैव अ होस्टिंग. इट इज़ सुपर क्रिटिकल टू हैव अ गुड होस्टिंग. इट इज़ सुपर क्रिटिकल टू हैव द बेस्ट होस्टिंग, ताकि आपकी साइट की परफॉर्मेंस से आपके यूज़र्स इफेक्ट ना हो. कैसा लगेगा कि अगर मैं इस वक्त आपकी वेबसाइट पे जाऊं और आगे से एक एरर आ जाए, नॉट रिस्पॉन्डिंग? दैट्स वाई यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट होस्टिंग. And hosting can be different for different levels. Agar aap ek initial stage pe hain and you do not expect more than a couple of thousand people, then you need a different hosting. But agar aap lakhon mein audience expect kar rahe hain apni website pe, to aapko ek dedicated hosting chahiye hogi. So there are three levels of hosting. Ek, shared hosting. Most of the people usually go and select shared hosting. Then there is a level which is known as VPS, virtual private server. And then there is another level of hosting which is known as a dedicated hosting. So hosting really, really matters. And hosting really, really defines the performance of your website. Kuch hostings hain jinka main aapke samne zikr karna chahunga, ताकि आप इनको देखें, इनकी प्राइसिंग को देखें और देखें कि ये क्या फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स आपको अलाउ करती हैं. सो उसमें एक होस्टिंग है जिसका नाम है होस्टिंगर. होस्टिंगर.com इज़
one of the best hosting websites out there. But my favorite is, मैंने आपका नाम इसको पहले भी बताया, so I'll give you a few moments to guess. Bluehost. Bluehost.com is another one of my favorite hosting websites. साथ ही साथ कुछ और sites भी हैं, जिस तरह dreamhost.com, जिसको आप use कर सकते हैं to host your website. और इनकी comparative features को देखें. देखें कि ये कैसे आपस में एक दूसरे को compliment करते हैं. कि कैसे इन दोनों की प्राइसिंग एक दूसरे से अच्छी है. When it comes to pricing, आपको होस्टिंग पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एवरी ईयर, बट नॉट मोर देन दिस, होपफुली नॉट मोर देन दिस. सिर्फ 10 हज़ार रुपए में आप एक बड़ी ही अच्छी होस्टिंग ले सकते हैं, जो कि आपकी साइट को मेंटेन कर सकती है, जो कि आपकी साइट को होस्ट कर सकती है, जो आपकी साइट को अप टाइम देख सकती है. और हमने ये कुछ डिटेल्स बहुत डीप डिस्कशंस में पहले डिस्कस भी की हुई हैं कि अप टाइम क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, रिडंडेंसी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, लेटेंसी क्या होती है. दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर सुपर क्रिटिकल, विच आर सुपर इम्पॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ डिसरप्शन व्हेन यू आर डिसाइडिंग which hosting is the best hosting. So what's the best way to find out? The best way to find out is to try these hostings. Yaad rakhiyega ke half the job is writing the right query on Google. Aadha kaam to ye hai ki aapne sahi keywords ka chunav karna hai jisko aap Google pe dal ke apna objective reach kar sakte hain. तो इस केस में चूंकि हम वर्डप्रेस की होस्टिंग्स को ट्राई कर रहे हैं, तो मैं गूगल पे लिखूंगा बेस्ट होस्टिंग. बट ध्यान में रखिए कि क्या ये क्वेरी इज द राइट क्वेरी और नॉट. आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेरी बिकॉज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर वर्डप्रेस होस्टिंग. सो आई विल राइट इंस्टेड ऑफ बेस्ट होस्टिंग, आई विल राइट बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग. और मैं देखता हूँ कि गूगल मुझे कौन कौन सी होस्टिंग्स का बताता है. सो देयर इज एन आर्टिकल हियर, देयर आर कंपैरिजंस. डब्ल्यूपी बिगिनर पे मैं जाऊंगा बिकॉज इट्स द बेस्ट वेबसाइट फॉर वर्डप्रेस. और डब्ल्यूपी बिगिनर ने हमें एक बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है कि वर्डप्रेस होस्टिंग्स क्या हैं, किस तरह की हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हुआ है, व्हाट आर द वर्डप्रेस होस्टिंग रिक्वायरमेंट्स. तो PHP का वर्जन 7 होना चाहिए और MySQL का वर्जन 5.6 या अबव होना चाहिए. एंड इट शुड ऑफर अ वन क्लिक इजी ऑपरेशन एंड इंस्टॉल फॉर वर्डप्रेस. थिंग्स टू कंसिडर व्हेन चूजिंग अ वर्डप्रेस होस्टिंग. सो यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने एनालिसिस एक दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. और नीचे उन्होंने एक बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग्स, जिनमें से सबसे पहले आती है माय फेवरेट bluehost.com. bluehost.com ऑफर्स अ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल वे टू क्रिएट योर वर्डप्रेस वेबसाइट. इसकी हम प्राइसिंग को भी देखेंगे, हम एक इसका टैब अलग से खोल लेते हैं. साथ ही साथ देयर इज होस्टगेटर. होस्टगेटर भी एक ऐसी वेबसाइट है विच अलाउज यू टू वेरी इजीली होस्ट अ वर्डप्रेस वेबसाइट. फिर इन्होंने एक और वेबसाइट का हमें बताया हुआ है जिसका नाम है साइटग्राउंड. साइटग्राउंड इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर नोन वर्डप्रेस होस्टिंग साइट. ड्रीम होस्ट हमारे पास है, ड्रीम होस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं. इन मोशन होस्टिंग है. और फिर उन्होंने एक कंपेरिजन दिया हुआ है, वो कंपेरिजन आपको बताते हैं कि विच इज द बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर यू. सो मैं ये कंपैरिजन लूंगा, मैं ये क्विज आपके सामने लाइव ले रहा हूं ताकि आप देखें कि कैसे आप इस क्विज को यूज करके अपने लिए एक वर्डप्रेस चूज कर सकते हैं होस्टिंग. विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, आर यू अ स्मॉल बिजनेस ओनर, अ डेवलपर और अ ब्लॉगर. आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, माई स्किल लेवल इज इंटरमीडिएट, माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आई नीड गुड सपोर्ट एंड आई एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 25,000 विजिटर्स पर मंथ. आई हैव अ सिंपल साइट.
And I can skip this step to see that the winner is Bluehost, because Bluehost has the best customer support that is out there. So I will click Bluehost and here I will be taken to the Bluehost website. So, आप देख रहे हैं कि मैंने एक लिंक पे क्लिक किया जो कि मुझे ले गया Bluehost पे और Bluehost कह रहा है कि there is a special offer for WordPress users. There is a free domain, there is a free SSL certificate and there is 24/7 support starting at just $2.7 per month. ये सिर्फ 300 रुपए हैं, 300 रुपए per month. और आप इनके different plans भी देख सकते हैं. Usually, I always recommend everyone to go with the Prime plan. The Prime plan costs almost $5.45 per month, which is almost 600 rupees per month. And if you multiply it over the course of the year, so this will become about 7,000 rupees, 7-8,000 rupees. So, in the nominal rates, you can use this option ko is feature ko jo ki WordPress hosting ki hai. I highly recommend WordPress hosting ke liye Bluehost. Aap dekh sakte hain ki inke basic plan, inke plus plan aur inke prime plan mein there is a whole lot of difference. Website space se leke, subdomain se leke, email accounts, email storage. So I would highly recommend that you go for the prime plan, and prime plan is what will actually help you make the best WordPress website out there. So hosting ka please khyal rakhein aur dekhein ki kaise you can use the best WordPress hosting for your website.